हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरे मटर का नमूना बनाएंगे। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमूना बनाने के लिए हम लेंगे 1 प्लस 1/4 कप फ्रेश मटर के दाने, 3 मीडियम साइज़ के आलू, आलू को छिलकर इस प्रकार से लंबा लंबा काट कर लिया है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने लंबा और पतला काट कर लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कली, 1 छोटा टुकड़ा अदरक जिसे मैंने काट कर लिया है, 3 से 4 छोटी साइज़ की हरी मिर्च, थोड़े से धनिए के डंठल जिसे मैंने रफली काट कर लिया है। सभी को पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। पीसते समय 1 से 2 चम्मच पानी का यूज़ करेंगे। तो पेस्ट बनकर तैयार है, तो इसे अब हम अलग निकालेंगे और सेम जार में अब हम 1 कप मटर के दाने डालेंगे। 1/4 कप मटर के दाने को अलग रखेंगे और अब हम इसे हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इस प्रकार से मटर को हमने हल्का दरदरा रखते हुए पीस लिया है। आलू को हमने पानी से निकालकर कॉटन के कपड़े पर डालकर अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। पैन में डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें आलू डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और आलू को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आलू को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आलू को हमें फ्राई करना है। फ्राई करते समय ही आलू अच्छे से पक भी जाएगा, तो हमें बाद में आलू को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तो कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि आलू पर बहुत ही अच्छा सुनहरा रंग आ गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। आलू को निकालने के बाद पैन में से आधा तेल हम अलग निकालेंगे और आधे बचे हुए तेल में अब हम डालेंगे मटर का पेस्ट। लो फ्लेम पर मटर के पेस्ट को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो इस प्रकार से भूनकर डालने से मटर का कच्चापन दूर हो जाएगा और मटर का नमूना और भी टेस्टी बनता है। आप चाहे तो बिना भुने भी इसे बना सकते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट हमने मटर के पेस्ट को भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम पैन में बचा हुआ तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 छोटी सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। साथ में डालेंगे कटा हुआ टमाटर और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। साथ में डालेंगे 1/4 कप मटर के दाने जो हमने बचाकर रखे थे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम मसाले को 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू, फ्राई किया हुआ मटर का पेस्ट, दोनों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक के पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास गर्म पानी। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी और डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे
और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। निमोने में एक उबाल आ गया है तो अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद निमोना बनकर तैयार है तो अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट मटर का निमोना बनकर तैयार है। इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।